अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ए टू जेड टीम्स में आप सभी का वेलकम है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अक्सर बहुत दिन से बोर हो रही थी, इस बार हम समर वेकेशन पे भी कहीं नहीं गए, तो मम्मी बोली चलो यहाँ पे रामपुर में एक मार्केट खुली है, चलो उसे विज़िट करते हैं। तो फिर हम लोग रेडी हुए और हम लोग जल्दी जल्दी हम लोगों ने तैयारी की और हम तैयार हो गए। अक्सर का थोड़ा मूड ऑफ था लेकिन जाने के नाम से ये खुश हो गई। जल्दी से ये रेडी हुई, अपने शूज़ इन्होंने पहने, हमने पर्स उठाया और हम चल दिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं रामपुर में जो न्यू मार्केट ओपन हुई है वो किस तरह से है और वहाँ पे किस किस चीज़ का क्या रेट है। शैल वी स्टार्ट। बस मार्केट जो है एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग का कुछ भी इरादा नहीं है, सिर्फ हम देखने जा रहे हैं मार्केट कैसी है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या डिस्काउंट है, क्या प्राइस है, वही सब चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल अभी शॉपिंग का कुछ इरादा नहीं है। तो हम ये पहुँच चुके हैं स्मार्ट बाज़ार, ये रामपुर में स्मार्ट बाज़ार के नाम से न्यू ओपन हुई है। इसमें 3 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नीचे पार्किंग सिस्टम दे रखी है, जो 2 व्हीलर के जैसे स्कूटी है, बाइक है, तो वो लोग नीचे पार्क कर सकते हैं। ये हमने एंटर किया और यहाँ आपको एंट्रेंस शो हो रहा है। यहाँ पे ऑफर चल रहे थे कि जैसे 2000 की शॉपिंग पे आपको 2 किलो प्याज फ्री मिलेगी, यहाँ 49 की सेल लगी हुई थी और हर एक पैकेट पे 10-10 रुपये आपके लेस हो रहे थे। जो जैसे सपोज़ अगर मार्केट में 100 रुपये की चीज़ है तो वो यहाँ पे 90 की मिल रही थी। यहाँ पे सब हमारे ऑयल्स थे, सफोला का ऑयल था, हर ब्रांड अवेलेबल था, मसाले हर एक चीज़, मसाले हो या जैम हो, अचार हो, सरसों का तेल हो, रिफाइंड हो, आइसक्रीम हर फ्लेवर की थी। देखिए यहाँ पे 20-20 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये सेविंग्स थी। सपोज़ अगर मार्केट में 100 रुपये का ये ब्रिक है तो ये यहाँ पे 90 का है। ये मूंगफली 141 रुपये किलो थी। ये हमारा चना है जो 71 रुपये किलो था, 95 रुपये किलो थी सोयाबीन। मसूर की दाल हमारी थी 85। इसी तरह से ये सारी यहाँ पे दालें और आपको टैग भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए शो हो रहा है, यहाँ पे 2000 की शॉपिंग पे आपको 2 किलो प्याज फ्री मिलेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर की गई हैं। ये सब मसाले हैं, यहाँ पे ये चिप्स दे रखे हैं, साबूदाना चिप्स, पापड़ चिप्स और मूंग दाल पापड़ चिप्स, पोहा दे रखा है, बड़ियाँ दे रखी हैं, मैक्रोनी, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज़, हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। मार्केट में सब तरह के मसाले, हैदराबादी मसाला, बिरयानी, कोरमा, हर एक चीज़ अवेलेबल है। नीचे वाले फ्लोर पे सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मसाले, ऑयल, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम था। यहाँ देखिए सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे मैंगोज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स के, काफ़ी तरीक़ों के मैंगो थे यहाँ पर। अल्फांसो भी था और तोता परी के नाम से भी था, पाइन एप्पल, ऑरेंजेस, सब्ज़ियाँ भी यहाँ पे थी, नारियल, हर एक तरह का सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। रेट भी आपको शो हो रहे हैं या आप वीडियो से आप पॉज कर करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रोकली वगैरह सब आइटम थे, तो हमने खूब अच्छे से इंजॉय किया। फिर सेकंड फ्लोर हमने दोबारा से विज़िट करा कि सेकंड फ्लोर पे क्या है। यहीं पे सब आपका सोयाबीन, मटर और जो पैकेट्स क्रंच रहते हैं वो सब भी अवेलेबल था यहाँ पे। प्याज, आलू, टमाटर, हर तरह की सब्ज़ी अवेलेबल थी, बाहर की सब्ज़ी भी अवेलेबल थी। यहाँ सारे राइस के प्राइस दे रखे हैं कि बासमती चावल और आपका गौरी का चावल, प्लेन चावल, नॉर्मल चावल जो रहते हैं गोल्डन ब्राउन, और शुगर फ्री वाले जो राइस थे वो भी अवेलेबल थे। चीज़ हर तरह का यहाँ पे है, यहाँ पे पनीर अवेलेबल है, मोज़रेला चीज़ है आपका, सैंडविच वाला है, ये सब आपको रिफाइंड के और तरह तरह के डिफरेंट टाइप के ऑलिव ऑयल भी आपको शो हो रहे हैं। सच में बहुत बड़ी मार्केट थी, मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। आप अच्छे से इसे देख लिए, फिर हम नेक्स्ट फ्लोर पे चलेंगे।
ये हमारा सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे सब आपके क्रीम्स वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी थे, जैसे आपका टोस्टर हो गया, मिक्सर हो गया, ब्लेंडर हो गए, आपके किचन के सारे आइटम्स, यूटेंसिल्स थे, इंडक्शन, राइस कुकर, आपके लिए आयरन थी, आयरन टेबल भी थी, हर एक तरह का आपका क्लीनिंग पर्पस से जो भी आपके सरफेस एरिया हैं, किचन से रिलेटेड क्रॉकरी है, बेडशीट है, कुकर है, प्रेस्टीज, हॉकिंस, हर चीज़ अवेलेबल थी और रीजनेबल प्राइस थे। बेडशीट्स, गेम्स बच्चों के, तो अक्सा ने भी शायद एक दो गेम्स पिकअप किए हैं और लेट्स सी आगे क्या हमें देखने को मिलता है। आप लोग भी अगर रामपुर से हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी प्लीज़ जाइएगा और आप भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी। मुझे तो ठीक ठाक लगी और सही लगी। फ़िलहाल मैं शॉपिंग के इरादे से नहीं गई थी, तो नहीं जाने पर भी हमने एटलीस्ट 3000 के आसपास यानी कि 2800 का हमने यहाँ से सामान परचेज किया था। तो हमें 2 किलो प्याज फ्री मिली, एक ग्लास सेट हमें फ्री मिला और एक अक्सा को खूब प्यारा सा एक किट थी वो फ्री मिली। तो हमें तो 3 चीज़ें मिली। आई थिंक उस दिन ऑफ़र था या क्या था, आज संडे है तो काफ़ी सारा ऑफ़र चल रहा था और अभी क्योंकि नया नया खुला है तो मे भी शायद इस वजह से यहाँ पे ये सब हो। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मार्केट कैसी लगी और आपको मेरी वीडियो बनाना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है या नहीं, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के लेकर आऊँ। यहाँ पे मम्मी अपना अक्सर के साथ बिलिंग करा रही हैं। ये मम्मी ने मैट ख़रीदा है क्योंकि लास्ट वीकेंड पे लाइट नहीं आ रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी लाइट के लिए, पूरे पूरे दिन जा रही थी, तो इस वजह से हमने मैट ली कि एटलीस्ट आंगन में हम लोग मैट बिछा के आराम से इंजॉय कर सकें, बैठ सकें, बातें कर सकें। ये अक्सा ने कुछ चीज़ें ली हैं। बिलिंग करने के बाद हम लोग घर आ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इन लोगों ने क्या क्या शॉपिंग करी है। आप लोग जब तक गेस करिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही गया होगा मेरी बातों से और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिख भी गई हैं कि अक्सा ने क्या क्या ली हैं। तो देखते हैं किस किस का कितना सही रहता है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या हम लोगों ने यहाँ से लिया है, परचेज़ किया है। नेक्स्ट ब्लॉग आपको बताऊँगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।